भैया, ये लिखने वाले कहानियां कई बार इतने क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे लगता है खुद ही नहीं समझ आता कि लिखे तो क्या लिखे। अब भाग्य लक्ष्मी में पारो किडनैप होते होते बच गई, लेकिन फिर से किडनैप हो गई। अरे आप डिसाइड कर लीजिए, आप कहानी को किस दिशा में आगे लेकर जाना चाहते हैं। अगर किडनैप होना ही है पारो ने, तो एक ही बार करके खत्म कीजिए ना, ये बार बार किडनैपिंग के अटेम्प्ट क्यों लगे हुए हैं। क्यों बैठ गए तुम? उतरो अभी, क्यों भी उतरो? मैं जा रहा हूँ मेरी बेटी को बचाने के लिए। उतरो, मुझे भी मेरी बेटी को बचाना। देखो मैं कह रहा हूँ तुमसे, तुम उतरो मेरी। मैं नहीं उतरूंगी, तुम चुपचाप बाइक चलाओ। मैं कह रहा हूँ उतरो अभी, क्या भी उतरो। मैं कह रही हूँ ना कि तुम चलो चुपचाप। अरे रे रे लक्ष्मी और ऋषि, आयुष और शालू, ऐसा क्या हो गया है कि पुलिस थाने में आप दोनों ने भगदड़ मचा दी है? अब देखिए, ऋषि और लक्ष्मी बाइक पर सवार हुए हैं, तो वही शालू और आयुष कार में बैठकर निकल गए। आखिर थाने में ऐसा क्या इन्हें पता चला कि ये अफरा तफरी में निकल पड़े हैं? अब पारो जहां पर है वहां की खबर मिली। अब वो क्या है ना, पारो दोबारा से किडनैप हो गई है, और पुलिस थाने पहुंचते ही ऋषि लक्ष्मी को इस बात की खबर मिली है कि पारो अब कहीं और देखी गई है। अब वहां से पारो को कहीं और लेकर जाएं, इससे पहले ऋषि और लक्ष्मी निकले तो पीछे पीछे शालू और आयुष भी। पुलिस स्टेशन हम बेसिकली क्या होता है, जैसे ही हमें बदलता है कि पारो नहीं मिल रही है, ऋषि मेरे साथ और लक्ष्मी शालू के साथ वहाँ से निकलती है पारो को ढूंढने के लिए। पर पुलिस बोलती है अगर आप एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है तुम दोनों में से कोई गुनहगार हो। तो हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे, एक बार इन्वेस्टिगेट करेंगे, पूछताछ करेंगे, उसके बाद आपको छोड़ेंगे। पर इन सब चीज़ों में टाइम नहीं वेस्ट करना था ऋषि लक्ष्मी और ना हम दोनों को, तो हम लोग भागते हैं फिर फटाफट से। अब सच में समझ में नहीं आ रहा है कि इस सीरियल में चल क्या रहा है। पहले पारो किडनैप हुई, फिर दोबारा मिल गई, फिर वापस से किडनैप हो गई। लक्ष्मी और ऋषि के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती ही जा रही है, और इसी के साथ साथ मलिष्का के प्लान कभी खत्म ही नहीं होते हैं। उसकी सोच हमेशा किडनैपिंग पर आकर ही रुक जाती है। पारो को रास्ते से हटाकर वो लक्ष्मी और ऋषि के बीच में दरार पैदा करना चाहती है। ऋषि लक्ष्मी को तो यार बहाना दे दिया गया ना लड़ने का मलिष्का की वजह से। पर अभी लड़ाई इस बात की है कि बेसिकली यहाँ पुलिस स्टेशन में पता चलता है कि हमें आइडिया लगा, हमें 100% श्योर नहीं है कि शायद पारो मलाड वाले वेयर हाउस में है, तो ये लोग पुलिस हमें यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए लाई होती है। भाई ये देखो, ये है अपराधी चेहरा। तो वो बोलता है कि एक बच्चा मलाड वाले वेयर हाउस में मिला है, तो उस सस्पिशन पे ऋषि लक्ष्मी फटाफट से वहाँ से भागते हैं। अब पुलिस ना पकड़ ले इसलिए फटाफट से ये लोग अपनी बाइक लेके यहाँ से निकल लेते हैं, पीछे पीछे मैं और शालू अलग गाड़ी में आते हैं। और हमें लगता है कि वो कुछ हद तक कामयाब भी हो गई है। अब देखिए ना, ऋषि और लक्ष्मी को विश्वास ही नहीं है, ये दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाया, ये पुलिस वालों ने भी कुछ उल्टी सीधी बात इनके दिमाग में डाल दी है। तो अब इस कहानी के बारे में हमसे मत पूछिएगा कि आगे क्या होगा, ये क्योंकि राइटर ये बता ही नहीं पा रहा है लक्ष्मी और ऋषि के फैंस को कि आगे इनका क्या होगा, वो इनके बारे में किस तरीके से सोचते हैं और फिर कहानी लिखते हैं। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।